मराठी पत्रकार संघ में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नगर एवं श्री गणेश मूर्ति नगर कप परेड के लोगों द्वारा पत्रकार परिषद रखी गई। इस पत्रकार परिषद में वहां के रहवासियों का कहना था कि ते माहित नव्हतं आणि आमची संस्था आहे रजिस्टर आहे संस्था रजिस्टर असली तरी त्या संस्थेचे अध्यक्ष मी आहे आमची 95 संस्था रजिस्टर आहे तरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावानेच रजिस्टर आहे ती पण इथे कुठलीही सभा न झाली मीटिंग नाही घेतली व्यापे परिसरामध्ये किंवा मूर्तीनगर ये वार्डामध्ये कुठलीही मीटिंग न घेता त्या शापूरजी पालनीने काय केलेलं आहे असं उघड उघड बोलण्यात आलं की ही मीटिंग केलेली होती आणि वाघमारे बाई तिथं होत्या गुलाब मिश्राला मी अध्यक्ष बनवलं आहे त्या आंबेडकर नगर आणि मूर्तीनगरचं अध्यक्ष बनवलंय प्रमुख प्रवर्तक बनवलंय असं जाहीर करण्यात आलेलं आहे म्हणून अशी माझी खोटी सही लिहून घेऊन मला काय म्हणण्यात आले मला माहीतच नव्हतं हे काही सगळं झालेलं माहीत नसताना मग पुन्हा काय करण्यात आलं वाघमारे बाई तुम्ही विकू नका वाघमारे बाई तुम्ही विकू नका मी म्हणते स्वतःला मी काय विकू नका म्हणते ते लोक मला काय विकू नका म्हणते मला हा प्रश्न पडल्यानंतर म्हणते की तुमचं नाव फेडरेशन मध्ये आहे तुम्ही खोटं खोटं बोलून हे मूर्तीनगर आणि आंबेडकर नगर विकण्याचा प्रयत्न करू नका। शापूरजी पालजी प्राइवेट लिमिटेड एवं प्रिकॉशन प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के कर्ता धर्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह के विरोध में आने वाले 27 तारीख को ओटस महारैली का आयोजन इस कंपनी के खिलाफ कप परेड से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा जो कि म्यूजियम कुलाबा के समीप है वहाँ पर समाप्त होगी। इस दौरान वहाँ पर एक युवक द्वारा कहा गया कि मुख्य कारण यह है कि उसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और गणपति जी का जो नाम मिटाया है हमेशा हमेशा के लिए महाराष्ट्र और मुंबई में से मिटाने का जो षड्यंत्र रचा है इसीलिए रैली निकली जा रही है और हमें 10,000 घरों में से 8,000 घरों को जो बेघर किया है ये षड्यंत्र रचने वाले के विरोध में और सरकार के निषेध में ये रैली निकाली जा रही है। सर योजना के तहत 2000 से 2011 बरोबर है और उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा बाकी 7-8 लाख रुपया जो भी खर्चा होगा वो घर वालों को देना है। हाँ इस स्कीम में आपको लिया गया है क्या ऐसा कहना है क्या? कुछ स्कीम में लिया गया नहीं है डायरेक्टली तोड़ के भगा रहे वो भी बंदूक और चाकू के नोक पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे लोग आके वहाँ पे 3,000 घर तोड़ के गए और मार मार के उनको जेल में डाला गया है। ऐसा होता है क्या कभी? उनके जो घर तोड़े हुए हैं 2011 का अभी तक परिशिष्ट आया नहीं है उनका सर्वे अभी तक हुआ नहीं है उसके पहले ये लोगों ने जो घर तोड़ा हुआ है इनकी जिम्मेदारी नुकसान भरपाई की लेगा कौन? जो रात रात भर बाहर सोए उसमें से जो बंदे बीमार गिर रहे जो बच्चे आज बेघर हो चुके उनकी जिम्मेदारी लेगा कौन? इनके घर वालों को रस्ते पे लेके जाके कोई छोड़ेगा तो इन लोग चुप बैठेंगे क्या? सारे सरकारी यंत्र ना हिला देगा अगर इनका एक बच्चा गायब हो जाता है तो आज वहाँ पे बच्चे गायब हो जा रहे जी रहे कि मर रहे कुछ पता नहीं है इसकी जवाबदारी लेगा कौन? और ये 2011 तक का प्रकल्प और पीएपी के नाम पे वो खंडनी लेने का काम कर रहे हैं 7 लाख रुपए का किसी लिए बांधे है पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन यानी कि अगर 7,000-10,000 हमारे घर है 3,000 लोगों को इन्होंने पात्र किया है तो बाकी के अपात्र हो गए यानी कि वो पीएपी में चले गए। अभी समझो पीएपी में उन्होंने जहाँ पे भी बिल्डर ने अरे हमारे जो बुजुर्ग लोग अपना घर का छोड़ो उन्होंने तो बाबा साहेब का नाम क्यों मिटा रहे वो उसको उत्तर उसने दिया है अरे पुतला बांध के दे रहे ना पुतला बांध के दे रहे जबकि पिताजी और माँ का पुतला नहीं बन रहा है वहाँ पे बाबा साहब जी का नाम मिटने की बात हो रही है वहाँ पे इतनी ताकत जो 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 चीज अधिवेशन में कभी पास नहीं हो सकती है जिसकी ताकत नहीं है वो विषय को लाने की इतना सरल तरीके से ये पास कैसे क्या हुआ ये नाम बदलने का कांड। शाहपुरजी पालनजी बिल्डर ने नकली हस्ताक्षर और फर्जी कागजातों की मदद से इस इलाके की झोपड़पट्टियों को हड़पने की साजिश रची है। एसआरए प्रकल्प हासिल करने के लिए नकली कागजात तैयार किए जा रहे हैं इसमें यहां पर पिछले 40 साल से रहने वाले पात्र निवासियों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। सरकारी मशीनरी भी कोई मदद नहीं कर रही है। न्याय के लिए अब हम लोगों को आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। सरकार खुलेआम शाहपुरजी पालनजी जैसे बिल्डरों का सपोर्ट कर रही है। न्याय नहीं मिला तो हम लोगों को मजबूरन आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ेगा। सोई ही सरकार को जगाने के लिए क्या हम लोगों को आत्महत्या करना होगा? इसी दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नगर के एक रहवासी का कहना था कि त्याचा सुद्धा अधिकार आमच्याकडून छिनून घेतला तर आम्ही हा मतदार राजा काय असतो ना ते दाखवून देऊ आणि या ठिकाणी ती या 10,000 घरांची ही स्लम आहे ही झोपडपट्टी आहे हे श्रीमंत नाही आम्ही गोर गरीब आहेत आमचे 10 बाय 10 चे घर असतात आणि 10 माणसं राहतात
तो 10,000 माणसं उतरणार आहेत, एक माणूस 10,000, 10 माणसं 1,00,000 माणूस, आणि बाबासाहेबांची आणि गणपती मानणारी जी माणसं आहेत ती शांत नाही बसणार, ते सुद्धा उतरणार। कॅमेरामन वैभव के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज, मुंबई।